गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हिटलर के आगे के कारनामे की बात करेंगे। अभी तक के वीडियो से हम ये समझ चुके थे कि हिटलर पावर में कैसे आया और पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो भी राइवल्स थे उसको सप्रेस करने के लिए क्या क्या किया। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ही हैड मेनी सेक्रेट फोर्सेस, उसमें एसए था, एसएस था, एसटी था, गेस्टेपो था, अदर देन द रेगुलर फोर्स विच वॉज इन द ग्रीन यूनिफॉर्म। अब इसको यहाँ पर हिटलर को दोनों फ्रंट पे देखना था, इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल। इंटरनल में सबसे पहले उसको अपना इकोनॉमिक कंडीशंस को रिवाइवल करना था, दुरुस्त करना था, और फॉरेन पॉलिसी में एज ही हैड प्रोमिस्ड उसको जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज के साथ अनजस्टिस किया गया था उसको डन अवे करना था। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन में क्या किया, तो इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हिटलर ने हेजलमर शेस को दिया था। हेजलमर शेस को इकोनॉमिक ही वाले इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिस्ट होने का उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था इकोनॉमिक रिकवरी का, और उसका मेन एम था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट फंडेड वर्क, मतलब कि सारा वर्क गवर्नमेंट का स्टेट फंडेड। इसमें दो चीज, एक था जो था वो था सुपर हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर हाईवे, और दूसरी द पीपल्स कार्स वॉज रेड। इसके साथ ही हिटलर ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया था वो किया था आर्मामेंट में, क्योंकि उसके आर्म्स को टोटली अलाइज पावर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके मिलिट्री पावर को रिड्यूस कर दिया था, जिसको हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज के अकॉर्डिंग जान चुके हैं। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना था, जब तक उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं होगा, जब से उसके पास वीपन्स नहीं होगी, सिंपली वो वर्ल्ड के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता था, और जो भी उसने प्रॉमिस किया था वो नहीं हो सकता था। इसलिए उसने आर्मामेंट पे ज़्यादा इम्फेसिस किया था। सुपर हाईवे इसीलिए कि क्योंकि वार के टाइम में सामान का जो डिलीवरी हो, जो ट्रांसपोर्टेशन हो, इजिली हो जाए। सुपर हाईवे कंस्ट्रक्शन, पीपल्स कार्स, वॉल्स वैगन्स, देन ही एम्फेसिस मोस्टली ऑन द आर्मामेंट। ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब हम देखें कि फॉरेन पॉलिसी क्या था। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ड्रेस्टिक थी, जिसने वर्ल्ड वार को स्टार्ट कर दिया। उसका थोड़ा क्रोनोलॉजी हम देखें कि कैसे वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, उसके पहले क्या एक्टिविटी थी, और वर्ल्ड वार कैसे खत्म हो गया, ये उसके फॉरेन पॉलिसी में आ जाए। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में 14 अक्टूबर 1933 को 1933 में ही हिटलर पावर में आया था। जनवरी में 30 जनवरी 1933 को वो अपॉइंटेड हुआ था एज ए चांसलर, एंड चांसलर वी कैन कंपेयर इट विद द प्राइम मिनिस्टर। उसी साल की बात 33, आप देखिएगा डेट कितना फास्ट होने का, क्या जनवरी 1933 अपॉइंटेड चांसलर, 28 फरवरी द फाइव डिग्री, एंड 3 मार्च 1933 सेम ईयर इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ट। उसके बाद वो इंटरनली तो अपने आप सारे विरोधी को शांत कर चुका था, डिस्ट्रॉय कर चुका था। अब फॉरेन हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया गया था इस उम्मीद में कि अब कोई इस तरह का वार नहीं हो गया, तो उसने हिटलर पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन, और एक तरह से ये अनटोल्ड चैलेंज था लीग ऑफ नेशन अदर कंट्रीज को कि मेरे साथ जो इनजस्टिस हो गया हम उसको रिकवरी करने जाते हैं, इफ यू पावर टू स्टॉप मी यू मे स्टॉप इट, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। 1936 में रीऑक्यूपाइड राइनलैंड जिसको फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था, जब हिटलर ने पेमेंट करने से रोक दिया, पेमेंट को रोक दिया, मना कर दिया, तो राइनलैंड उसका मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया था उसको कैप्चर कर दिया था। 1936 में उसने राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया। 1938 में
इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया हंगरी अंडर द स्लोगन वन पीपल्स वन एम्पायर अंडर वन लीडर, क्योंकि वो चाहता था कि जो नॉर्डिक आर्यन है उनके लिए सिर्फ लिविंग स्पेस नहीं फूड भी चाहिए, तो उस सारे इलाके को कैप्चर करना शुरू किया था और इसी के अंतर्गत सबसे फर्स्ट उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को यूनिफाई कर दिया, एकदम कंबाइन कर दिया, स्लोगन दिया, क्या स्लोगन दिया, वन पीपल्स, मतलब वन पीपल का मतलब यह है नॉर्डिक आर्यन से मतलब है वन एम्पायर, ये अलग अलग नहीं रहेगा क्योंकि नॉर्डिक आर्यन के रहने के लिए स्पेस चाहिए, तो अलग अलग नेशन नहीं जाना जाएगा, एक नेशन एंड वन लीडर्स, कौन लीडर रहेगा, हिटलर रहेगा, अदर लीडर्स नहीं रहेंगे। और हम पहले भी देख चुके हैं कि हिटलर ने बाकी पार्टी को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। देन इन फर्स्ट अक्टूबर 1938 ही टूक जर्मनी स्पीकिंग सुदर्तनलैंड, नहीं पनी रुका, जहां जहां पे उसको लगा कि जर्मन स्पीकिंग पीपल्स हैं उसको जर्मनी में मिलाना शुरू कर दिया, इसके अंदर में उसने सुदर्तनलैंड फ्रॉम द चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया का वो पार्ट जिसमें जर्मनी स्पीकिंग पीपल्स थे उसको अपने में मिला दिया, मतलब कि वो अपना टेरिटरी एक्सपेंशन स्टार्ट करते, ही हैड स्टार्टेड एक्सपेंशन टेरिटरी, किसके लिए, सिंपली फॉर द नॉर्डिक आर्यंस, कि नॉर्डिक आर्यंस को करेगा उसके लिए लिविंग स्पेस, स्पेस तो फूड चाहिए, फूड के लिए एरिया चाहिए। देन जनवरी 1939 ही रिमूव हेजलमर शेस, और हेजलमर शेस का नाम याद रहेगा, अभी मैंने बोला था कि ये बात appointed as the economic recovery responsibility of the economic recovery, उसको क्यों हटा दिया, क्योंकि हेजलमर शेस एक इकोनॉमिस्ट था, उसने उनको सजेशन दिया कि इफ यू आर सिंस यू आर इम्फेसाइजिंग मोर इन आर्मामेंट, इससे होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं हो पाती, क्योंकि जो आर्म्स बन रहा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, ये आगे नहीं बढ़ पाती, तो हमारा इकोनॉमिक एडवाइस करने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए, इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए हमको आर्मामेंट पे कम इन्वेस्टेस करना पड़ेगा, कम एक्सपेंस करना पड़ेगा, और बाकी चीज़ों पे जो डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी उस पर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हिटलर ने कहा कि कॉशस पीपल्स हैड नो प्लेस इन द नाजी जर्मनी एंड ही हैड टू लीव एंड ही वॉज रिमूव्ड। फर्स्ट सितंबर 1939 ही इन्वेडेड, मींस हिटलर इन्वेडेड पोलैंड, इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट वॉज टू द वॉर विद द फ्रांस एंड इंग्लैंड, पहले जर्मनी की लड़ाई या फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, तो वी कैन से जर्मनी वर्सेस फ्रांस एंड इंग्लैंड, और फ्रांस इंग्लैंड क्यों, कि दोनों सपोर्ट में आ गए थे पोलैंड का, और फर्स्ट सितंबर मतलब कि कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सितंबर 1939 को। सितंबर 1940 में लगभग कंप्लीटली एक साल के बाद ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द जर्मनी, इटली एंड जापान, इसको एक्सिस पावर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको एक्सिस पावर में बोला गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच लड़ा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सिस पावर और एलाइज के बीच लड़ा गया, एलाइज में कोई चेंजेस नहीं थे, वही कम पार्टी थी, लेकिन एक्सिस पावर में तीन इम्पोर्टेंट पार्टी हो गई थी, तीन इम्पोर्टेंट कंट्री हो गई थी, जर्मनी, इटली एंड जापान, ये कब साइन हुआ था, 1940। जून 1941 टाइम देखते रहो, ही अटैक द रशिया, जून 1941 में उसका जो मूव था रशिया की तरफ, इसको एक हिस्टोरिक ब्लंडर बोला गया। देखिएगा आप मैप देखेंगे तो जर्मनी के ईस्ट में रशिया है और वेस्ट में फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस जो पहले उलझा हुआ था और रशिया सुलझ गया, उसने अपने दोनों फ्रंट को ओपन कर दिया, और इसमें हिटलर की बुरी तरह डिफीट हुई थी, पहले इनिशियली तो उसको गेन मिला था लेकिन बाद में उसको बहुत डिफीट हो गई, और शायद कह सकते हैं कि ये कारण था कि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का भी एक कारण था, इसलिए इसको हिस्ट्री में हिस्टोरिक ब्लंडर बोला गया, कि इससे बड़ी भूल हिस्ट्री में नहीं हुई है कि एक थोड़ी सी गलती के कारण हमने दोनों फ्रंट ओपन कर दिया और जर्मनी लूज कर दी। 7 दिसंबर 1941 अभी तक यूएसए ज्वाइन नहीं किया था, 39 में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि
यूएसए नहीं चाहता था कि उसका कंट्री फिर से इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस करे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस कर चुका था, क्योंकि वहीं से इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुई थी, बाद में अदर कंट्रीज में गई थी, और इसका असर तो पूरा वर्ल्ड देख रहा था, सबसे ज़्यादा तो रशिया सॉरी यूएसए देखा ही देखा था। तो यूएसए नहीं चाहता था कि फिर से वो इस तरह के कंडीशंस में हो जाए, वो लड़ाई से वार से अपने आप को दूर रखे हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख पाया, क्योंकि एशिया में जापान अपने आप को कॉलोनियल पावर के रूप में शो करना चाहती थी, एस्टेब्लिश करना चाहती थी। अब उसने उसके जो फ्लीट था उस पर अटैक कर दिया, और उसके फ्लीट जो पर्ल हार्बर में था उस पर अटैक कर दिया, और उस पर अटैक करने का ही हो गया कि यूएसए ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1941। ये जब स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए स्टार्टिंग से 1939 से नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ज्वाइन किया ये 1941 में, और 1941 में तब ज्वाइन किया जब उस पर उसके फ्लीट पे जापान ने अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये डेट था 7 दिसंबर, मतलब कि 1941 ऑलमोस्ट फिनिश था, 1939 नहीं, वो सिर्फ कर सकते 44-45 लड़ा था, तो 45 में भी वार मई में ख़त्म हो गई थी, वर्ल्ड वार टू कैम टू एन एंड, जर्मनी सरेंडर कर चुका था, लेकिन जापान अभी भी सरेंडर नहीं किया हुआ था। अब यूएसए को अपने आप को सुपर पावर शो करना था, तो उसने जापान के दो सिटी जो जापान सरेंडर नहीं कर रहा था उसको सरेंडर करवाना था, तो जापान के दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब रेस्पेक्टिवली 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को ड्रॉप कर दिया गया था, और पूरा वर्ल्ड जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उसको देखा। ये फॉरेन पॉलिसी थी हिटलर की, अकॉर्डिंग टू विच ही सक्सेस एंड केम टू द पावर वेरी फास्ट एंड क्विकली ही मेड द वर्ल्ड टू एंगेज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आई डू होप यू माइट हैव अंडरस्टूड अबाउट द पॉलिसी ऑफ द हिटलर, हाउ ही मैनेज, कह सकते हैं उसने मैनेज किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और लास्ट में जर्मनी वॉज डिफीटेड। I do hope you might have got it. Thank you.